फतेहाबाद में पत्नी के सैलरी नहीं देने पर पति ने की मारपीट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पीड़िता की माने पति पहले भी सैलरी के लिए उससे मारपीट करता था। घायल का कहना है अगर आज भी वो पुलिस हेल्पलाइन पर मदद नहीं मांगती तो पति उसका कत्ल कर देता। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के टोहाना में खुफिया पुलिस और शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आजाद नगर मार्केट में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की। दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि आजाद मार्केट में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर छापेमारी कर 180 पेटी शराब की जब्त की गई। वहीं मौके पर मौजूद दो लोगों को अरेस्ट किया गया। सोनीपत के गन्नौर में दूध की सप्लाई करने गए छात्र का अपहरण। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की मांगी फिरौती। पुलिस ने जांच के लिए बनाई 3 टीम। परिजनों के मुताबिक अपहृत छात्र अपने गांव से दूध की सप्लाई करने गया था, रास्ते में उसे किडनैप कर लिया गया। परिवार को उसकी जानकारी तब हुई जब फोन पर किडनैपर्स ने छात्र को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए मांगे। फतेहाबाद के रतिया में लुटेरों का आतंक। गांव सहनाल रोड पर गाड़ी में आए बदमाशों ने मारपीट कर लूट को दिया अंजाम। शराब के ठेके में की तोड़फोड़। शराब ठेके के कर्मचारियों के मुताबिक आधी रात को एक गाड़ी में आए आधे दर्जन के करीब बदमाशों ने पहले सभी से मारपीट की, फिर काउंटर में रखे 15,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। गोहाना में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। खुलेआम गंदगी में सड़क किनारे मिठाई तैयार की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग मौन साधे हुए है। सड़क किनारे बनने वाले इस मिठाई को हलवाई सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी दुकानों पर बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। अमरनाथ में हुए आतंकी हमले को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में अलर्ट। पुलिस ने मॉल्स, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाया जांच अभियान। जींद में जयति जयति हिंदू महान संगठन के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ गए श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला किए जाने के रोष स्वरूप पाकिस्तान का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की एम्बुलेंस को भी कबाड़ बना रही है रोहतक पीजीआई। पीजीआई में नहीं मिल रही मरीजों को एम्बुलेंस सेवा, महंगे प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवा ले रहे हैं मरीजों के तीमारदार। हरियाणा के शिक्षा विभाग का स्कैम हुआ उजागर। प्रिंसिपल की योग्यता न रखने वाली महिला जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कर रही है काम। पीएमओ में शिकायत के बाद अधिकारियों के हाथ पैर फूले। यमुनानगर पहुंचे अम्बाला के बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। कटारिया ने अपनी तारीफ में जहां जमकर कसीदे गड़े, वहीं विरोध करने वालों को भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। लघु सचिवालय के सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या को काबू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों और तरीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करे जिला उपायुक्त ने बताया कि जनसंख्या कम करने के लिए उन परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें इस बारे में जागरूक किया जाएगा।